सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम इराइंड निवासी जगसाय नगवंशी, जो बिजली विभाग का रिटायर कर्मचारी है, जिसके द्वारा सीतापुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा डरा धमकाकर उनके साथ 6 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर सीतापुर पुलिस साइबर सेल की मदद से खोजबीन शुरू कर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार की है। इनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये इनको बताया था कि हम आपका खेत बनवाने में काम करेंगे जेसीबी के माध्यम से, तो इन्होंने इनकी बातों में आकर के जेसीबी से उनका काम करवाया, लेकिन इसी दौरान इन्होंने उनको डरा धमका कर ठग कर कि आपने शासकीय जेसीबी से कैसे काम करवाया है, इस बात से डराते धमकाते हुए इनको इतना डरा दिया और इनके अकाउंट से फिर 6 लाख रुपए निकाल कर इन्होंने ठग कर ले गया था। इसकी सूचना जैसे ही हम लोगों को मिली, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके हमने तत्काल FIR ली थी, और FIR लेने के बाद हम संदिग्धों की लगातार पता तलाश कर रहे थे। इसी दौरान साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोगों को इनका पता चला और हम लोगों ने वहाँ पे सीतापुर पुलिस की टीम ने वहाँ पे रेड की कार्रवाई की, जिसमें हम लोगों को 3 व्यक्ति जो संदिग्ध थे वो मिले, जिन्होंने अपना इस प्रकार का अपराध करना स्वीकार किया है। और ये 3 व्यक्तियों का नाम है असलम, जुमेराती और सलमान। ये तीनों जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना स्वीकार किया है और घटना स्वीकार करने के बाद इनसे हम लोगों ने नगद 50,000 रुपये और जो ठगी की रकम थी उससे खरीदा हुआ बाइक, 2 बाइक और एक मोबाइल भी जब्त किया है। साथ में जिस जेसीबी का उपयोग इन्होंने घटनाक्रम करने में किया था, उस जेसीबी को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और इनको हम गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। जब हमने इस मामले में सीतापुर थाना प्रभारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ग्राम इरैंड निवासी जगसाय नागवंशी द्वारा ठगी के शिकार होने का शिकायत सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर सीतापुर पुलिस साइबर सेल की मदद से 3 आरोपी सलमान पिता अबरार खान, जुमरती खान पिता गुलाब खान, असलम पिता बिस्मिल्ला खान, जो जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनको सूरजपुर जिला के नरेशपुर ग्राम से सीतापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में उपयोग किया गया जेसीबी, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फोन करके पूछिन, मैं अंबिकापुर रहे तो बोलिन कि खेत बनवाना है, कहके मोर पास गए रहे तो बनवाना है, सस्ते भाव में कर देवो कैसे कह बोले रहे। एक बाद नहीं मैं आज एक बाद में कर दी 28 तारीख के शुरू करें काम, तो एक बाद नहीं सुबह नहीं वो काम करते थे। एक आदमी बोला कि साहब बात है ये साहब हमसे ऊपर से मिल रही है। कहा बोले रही जैसे भी कहा चीज कहाँ करे बोले रही जैसे भी ना बोले रही कि यार नहीं तो हम काम ठीकिया में काम करते हैं तो काम खत्म हो गए तो अभी काम नहीं है कह के बोले रही। कैसे पैसा ठगी तू पैसा ठगी जमा नहीं जैसे भी चलाए वाला मैंने कहीं कि नहीं हमारे साहब आते हैं मिल लेना तो मैं अभी जहाँ काम करते हैं तेई आसपास मिले तो वो बोला कि नहीं जैसे भी कौन करवाते हैं मैं करवाता हूँ मैं कहा तो इसके बाद वो बोले कि नहीं ये सरकारी जैसे भी है जब सरकारी काम करते हैं प्राइवेट काम काहे करवा रहे हो इसमें तो पूरा परिवार घर अंदर हो जाओगे या तो 30,000 लाख रुपया लगेगा ऐसे बोला था। कितना पैसा मांगे फिर तुम्हारे से? बाद में नहीं वो लोग नहीं यहाँ ले लाए नदी के पास तो यहाँ पर बोले मैं कहते कहते में नहीं और 6,000-6 लाख रुपया दिया नहीं तो 15 लाख 6 लाख रुपये दिए आप हाँ बैंक से निकाल के 15 लाख मांग रहे थे कि काम आप करा रहे हैं तो पापा हाँ बोल दिए। फिर बोलते हैं ये तो क्या बोलते हैं सरकारी है गाड़ी तो फिर आप अपने प्राइवेट काम के लिए कैसे यूज कर रहे हो? अब प्राइवेट काम के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आप लोग को तो अब सजा होगा, सारे फैमिली वाले जेल चले जाओगे या तो फिर हमको पैसा दे दो अगर बचना है तो। पहले तो 15 बोले थे लेकिन अब हाँ 15 लाख बोले थे लेकिन अब उतना पैसा तो था नहीं तो फिर कैसे रिक्वेस्ट करके 6 लाख पापा दिए उनको निकाल के। पहले तो पापा पैसा दे दिए तो भी कुछ नहीं बता रहे थे, एकदम डर गए थे ना। फिर उसके बाद में जब पापा का मैसेज आया तो मैसेज से पता चला कि 6 लाख निकल गया है।
फिर बहुत पूछे कि पापा क्यों निकाले हैं 6 लाख, तो वो बोले कि शाम को कुछ लोग आएंगे घर में तो पता चल जाएगा। फिर मैं बोली अच्छा ठीक है कॉल करके देखिए, तो उसी समय से हम लोग कॉल कर रहे थे दोपहर से ही, तो कॉल लगा ही नहीं। फिर सोचे हो सकता है मोबाइल ऑफ हो गया होगा, 1-2 घंटा वेट कर लेते हैं, लेकिन रात में 10 बज गया फिर भी कॉल नहीं आया। और फिर हम लोग भी लगाए तो भी नहीं लगा, तो अब पापा को मैं बोली कि नहीं अब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पैसा देने के बाद मोबाइल बंद है मतलब कुछ गड़बड़ है, आप रिपोर्ट कराइए बोले। उसके बाद फिर पापा भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए और फिर रिपोर्ट कराने के लिए सोचिए एग्री हुए। अभी जो ठगी गिरोह पकड़ा गया है जी, आपको कैसा लग रहा है? पकड़ा गए तब तो थोड़ा सा संतुष्टि मिला है कि हाँ अब हम लोग के साथ कुछ अच्छा होगा।